स्टडी नहीं किया था। ओके सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल और फ्रेंडली सर। तो फ्रेंडली सर का पर्पस ये है कि कहीं भी आपको किसी भी टाइम किसी भी डिस्टेंस से अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो यूजिंग फ्रेंडली सर आप निकाल सकते हैं। एक के दो भी बहुत है, जैसे पिक्चर्स का यूज करते हैं आप, मॉडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, बट हमने अब क्या निकाला, यूजिंग थेमिनिन सर। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप आपको नेम द नोट्स, हमने नेम दे देना है इसको, ए दे दिया, बी दे दिया इसको, सी और इसको डी, नामकरण कर दिया। यस सर। स्टेप वन क्या है, कोई भी न्यूमेरिकल थेमिनिन थ्योरम से सॉल्व करना है, ड्रॉ थेमिनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ड्रॉ थेमिनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो पहला स्टेप भी ये भी आपको थेमिनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। ठीक, आपने दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रखना है न्यूमेरिकल समझते वक्त कि मुझे थेमिनिन थ्योरम नहीं आती, मैं थेमिनिन थ्योरम भी बीच में समझा दूंगा आपको, समझ रहे हैं आपको, एक बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल है थेमिनिन थ्योरम को समझने के लिए। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री होकर बैठिए, जिसको नहीं बैठती उसको भी समझा दिए समझे। तो थेमिनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, वी ओ सी वोल्टेज है, उसकी सीरीज में लगता है आर टी एच और उसके सीरीज में आगे लगता है आर एल। आर एल वो डिस्टेंस है जिसमें से हमने करंट निकालना है, ये जो 4 ओम है ये आपका आर एल है। ठीक, इसको लोड डिस्टेंस बोला जाता है। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 4 ओम के क्रॉस आप क्या निकालिए, करंट निकालिए, क्या निकालिए, करंट, करंट की वैल्यू निकालिए। तो मुझे मतलब ये निकालना है कि मेरा एम है आई एल निकालना आर एल से। अब इस सर्किट डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है कि इसको समझना है, इसको याद करना है, याद इस यार को क्रैक, ये डायग्राम को सुनाना ही पड़ेगा ना पेपर में। पहला स्टेप जब भी न्यूमेरिकल आएगा थेमिनिन के ऊपर तो आपको ये स्टेप को बनाना ही पड़ेगा, ये याद करने वाला स्टेप। ठीक है, वो वी ओ सी होता क्या है, आर टी एच क्या होता है बताइए आप। ठीक, बट आपको पता कि अगर यहाँ से कोई करंट चलेगा तो इसमें से और इसमें से सेम रहेगा कि अलग होगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब दोनों क्या है, आप सीरीज में या सीरीज में, सीरीज में बट उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक। तो पहले निकालेंगे वी ओ सी, क्या निकालेंगे पहले, वी ओ सी, वी ओ सी। स्टेप टू में मैं करूँगा फाइंड वी ओ सी। वी ओ सी होती क्या है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस लेक्चर को, इस वीडियो को, तो वी ओ सी होती क्या है, वी ओ सी होती है एक ओपन सर्किट वोल्टेज, क्या होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो आपने ओपन सर्किट वोल्टेज जो वी ओ सी उसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होती है, ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लोड वो जिसमें से आप करंट निकालना चाहते हैं, इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, ये लोड है जिसको ओपन सर्किट कर दो, क्या कर दो इसको, ओपन सर्किट, इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, लोड वो है जिसमें से आप करंट निकालना चाहते हैं, जिसमें से आप करंट निकालना चाहते हैं उसको ओपन कर दीजिए। तो दीजिए कर दिया, मुझे निकालना है जीरो डी के बीच में जिसको मैंने ओपन किया, जिसको मैंने क्या किया है, हाँ जी, जिसको क्या किया है, क्या किया, जिसको ओपन सर्किट किया। और ओपन सर्किट में आपको पता है कि करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता, नहीं करता। ओके, क्लियर, आ रहा समझ? यस सर। तो अब मेरे को ये वीओसी निकालना है, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले कि मान लेते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है आई, क्या फ्लो कर रहा है करंट आई, अब इस करंट की वैल्यू निकालनी है आपने, ये सब नो, यस सर, ये करंट इधर से जाएगा या नीचे जाएगा, तो ओपन सर्किट है, सीधा जाएगा, तो सीधा, यस सर, यस
यस और नो? यस सर। ठीक, यहां भी आई जाएगा और यहां भी आई जाएगा, सब जगह सेम रहेगा। ये विजुअल सिस्टम क्या हो गया, ओपन करंट विल रिमेन सेम। तो हमने बताया कि करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज? 48। व्हाट इज द डिस्टेंस? ये 12 और 8 क्या है, सीरीज में? यस सर। डिस्टेंस तो सीरीज में है ना? यस सर। ये बीच में क्या कर दिया आपने, ओपन, क्या करते हैं बीच में, ओपन 12 जमा 8 जमा 5 कितना आ गया, 48/25 क्या आपका आई होगा, क्या आ गया आपका आई, आई करंट, क्या आ गया आपका करंट। अब आप कोई भी लूप ले लीजिए, ठीक है, ये लूप ले लीजिए, चलिए मैंने क्लोज लूप ले ली। क्यों क्लोज लूप क्यों ले, क्योंकि मुझे बीएससी निकालना है। क्या निकालना है मुझे, बीएससी है ना। तो आपको पता है वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, किरचॉफ्स वोल्टेज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। तो मैंने क्लोज लूप ली ऐसे और इसको नाम दे दिया मैंने अप्लाई, यहां लिखूंगा अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अक्रॉस डी बी ए बी, बी बी ए डी, ए डी। जब हम बी से बी जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके। क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस? प्लस। क्या लिखेंगे, प्लस, प्लस, दैट इज प्लस वीओसी। जब बी से ए जाएंगे, जब मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस, तो कौन सा साइन आएगा, प्लस, प्लस, दैट इज प्लस 12 इनटू आई, आई है ना करंट, यस सर, करंट आई माना था ना। फिर आप ए से बी जाएंगे, जब आप ए से बी जाएंगे, पॉजिटिव से जा रहे हैं, नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव आ रहा है बाद में, तो कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव। माइनस 48 इज इक्वल टू 0, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या करता है, सम ऑफ ऑल द अलजेब्रिक करंट, अलजेब्रिक वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप प्लस ईएमएफ इज 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप एंड ईएमएफ इज 0, 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, VOC is equal to 48 minus 12 I, I की value put कर दीजिए, I कितना है, 48 by 25 कर दीजिए, that is VOC कितना आ गया, 48 into 25 minus 48 into 12 divided by 25, ये आ गया 48 into 13 by 25। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 48 कितना आएगा, हरी अप कैलकुलेटर में करो जल्दी, 48 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी, हरी अप फास्ट, 624 आ गया, यस सर, ये आ गया 624 बटे 20, ये आंसर आ गया बीओसी, मतलब हमारा क्वेश्चन मार्क नंबर 1 आ गया, यस सर। ठीक, फिर हमें निकालना है स्टेप 3। स्टेप थ्री की बात करेगी, पहले ध्यान से समझ लेना, पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ आरटीए छोड़कर क्या, जी सर, स्टेप थ्री है, मुझे आरटीए निकालना है, क्वेश्चन मार्क नंबर 2 निकालना है, क्वेश्चन मार्क नंबर 2 निकालना है। तो कैसे आएगा, आरटीए छोड़ता क्या है, जो नहीं पहले सुना जिन्होंने आज तक, आज सुन लीजिए, समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ये दिमाग में नहीं रखना कि फैमिली इंक्वायरी मैंने नहीं पढ़ी तो समझ नहीं आएगा, ओके, यस सर। आरटीए छोड़ता क्या है, सर, फैमिली इक्विवेलेंट डिस्टेंस और टोटल इंटरनल डिस्टेंस ऑफ ए गिवन सर्किट, टोटल इंटरनल डिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट होता क्या है, कहता है आपने क्या करना है, लोड डिस्टेंस, ये लोड डिस्टेंस है, इस सर्किट में जो लोड डिस्टेंस है उसके अक्रॉस डिस्टेंस निकालना है, उसके अक्रॉस डिस्टेंस निकालना है आपने, तो उसके अक्रॉस जब आप डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, लोड डिस्टेंस के अक्रॉस, दैट इज ये डिस्टेंस तो हटाना पड़ेगा ना, अगर उस डिस्टेंस के क्रॉस डिस्टेंस निकालना है, यस सर, नो, यस सर, इस डिस्टेंस को तो हटाना पड़ेगा, तो मैंने ये सर्किट ले लिया, यहाँ पे देखिए इस डिस्टेंस को हटा दिया और जितने डिस्टेंस लगे हैं वो बना दिए, और यहाँ पे एरो लगा दिया आरटीएच, तो ये दो पॉइंट्स में क्या निकालना है आपको, आरटीएच। और सर्किट में अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स है, कोई भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करो,
क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। और अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट कर दो। आरटीएच निकालने का फॉर्मूला है, लोड के क्रॉस निकालते हैं, लोड को हटा दिया, ठीक। और अगर सर्किट उसी जीरो सर्किट में अगर कोई आपका वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट। और अगर कोई करंट सोर्स है तो उसको क्या कर दो, ओपन सर्किट, ठीक। तो यहाँ पे क्या वोल्टेज सोर्स एक है, यस सर नो, यस सर, ठीक है। आपका वोल्टेज सोर्स तो आपने ये 12 बताया, 12 के बाद ये शॉर्ट कर दिया आपने। और ऐसे अब मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में जो बी पॉइंट था और ये जो बी पॉइंट था यहाँ आगे से निकाल, कैसे निकलेगा? 8 और 5 सीरीज में है, 8 और 5 क्या है, सीरीज में, सीरीज में। तो क्या होगा, स्क्वायर से बना देंगे, दिख रहा है यहाँ पे? यस सर, दिख रहा है? यस सर, दैट इज 12 ऐसे आ गई नीचे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट मेरिकल के साथ।